इंडिया कितना अमीर है देखो, पेट्रोल पिला रहा है पेड़ पौधों को। वाह वाह वाह, इंडियन ऑयल। हाँ जी, तो चलते चलते ना अचानक से अपनी बाइक जो है उसने जान दे दी। अपने नई बाइक का नाम लिया और उसने अपनी जान दे दी। कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है ना जो अपन ने सोचा नहीं होता है, मतलब। बट ये अपनी लास्ट राइड थी इस बाइक पे। आज के बाद इस बाइक पे अपन एक भी राइड। हाँ जी, तो रेडी हो चुके हैं अपन सीधा अपने घर पे जाने के लिए। पूरी मनाली सीरीज का आज लास्ट वीडियो है। आई होप आपको पूरी मनाली सीरीज अच्छी लगी होगी। बस रेडी हो चुके हैं, अपना सामान वामान पैक हो चुका है, आप निकलते हैं यहाँ से सीधा अपने घर के लिए। तो बने रहो हमारे साथ में, लास्ट पार्ट को मिस मत करना। आराम से प्यारी प्यारी सी बातें करते करते अपन सीधा पहुंच जाएंगे अपने घर पे। हाँ जी, तो भैया अपना जो है ब्रेकफास्ट आ चुका है। आज वैसा दबा के अंड शंड खाएंगे, ये कचौरी, ये भी कचौरी, वैसा इधर है जलेबी, इनको अच्छे से दबाते और फिर निकलते सीधा अपने घर की तरफ। कचौरी वचौरी दबा लिए, ज्यादा कुछ हैवी खाने की इच्छा नहीं थी। चल झूठा, तो अपन ने कचौरी मंगा ली और कचौरी दबाई क्योंकि आज राइड का जो है वो लास्ट दिन है। चलिए निकलते हैं यहाँ से। हाँ जी, तो फाइनली अपन निकल चुके हैं अपनी मनाली सीरीज के लास्ट वीडियो में अपने घर की तरफ। आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पिछले वाली भैया, ये वीडियो तो अभी शुरू हुई है। हाँ जी, तो फाइनली जयपुर के भारी भरकम भैसा वजनदार ट्रैफिक से बाहर निकल चुके हैं अपने घर के रास्ते पर। और इस पूरी सीरीज का ये जो है लास्ट पार्ट है, तो इसमें आपको ज़्यादा देर तक हम पकाएंगे नहीं, बस छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा पार्ट रखेंगे ताकि आप फटाफट से देख के वीडियो को लाइक कर दें। अरे भैया लाइक तो करना ही है यार, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना यार। हाँ जी, तो अभी रुके थे अपन एक छोटे से फ्यूल ब्रेक के लिए। फ्यूल व्यूल यहाँ से भरा लिया भैया, आप सीधा चलते अपन नॉन स्टॉप अपने घर की तरफ। सीरियसली ना, आज पता नहीं क्यों नींद आ रही है मेरे को, ना इस पूरी ट्रिप में कहीं पे भी सही से ना नींद आई नहीं है। कोई नहीं, आज घर जाके आराम से सोएंगे, चलते एक बार तो घर पे। क्या हुआ, यही सोच रहे हो अचानक से मैं होटल में कहाँ से आ गया? हाँ जी, तो चलते चलते ना अचानक से अपनी बाइक जो है उसने जान दे दी। अपने नई बाइक का नाम लिया और उसने अपनी जान दे दी, यानी कि बाइक खराब हो गई। पता नहीं उसमें कुछ ना कुछ इशू हो गया, उस चक्कर में अपने को यहीं पे स्टे करना पड़ा। अभी अपन अजमेर से थोड़ा सा आगे नसीराबाद में, मतलब इतनी लंबी राइड अपन पूरी करके आ गए थे और अपने घर से सिर्फ 250 किलोमीटर पहले ना अपनी बाइक ने धोखा दे दिया। सीरियसली थोड़ा सा मूड अपसेट है, थोड़ा सा मूड खराब है, बट ठीक है, इट्स ओके, होता है। ये भी अपनी जर्नी का एक पार्ट है, तो इसको भी एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने जैसा वैसे नहीं है, बट फिर भी करते हैं, कोशिश करते हैं एंजॉय करने की। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका पुरानी वाली ही वीडियो में। भैया वही वीडियो कंटिन्यू चल रही है, आज सेकंड डे। कल जो अपनी बाइक खराब हो गई थी, थोड़ा सा मूड भी खराब हो गया था, तो अपन यहीं पे रुक गए थे। बाइक जो है वो सर्विस सेंटर पे पड़ी है, वहीं पे ठीक हो रही है, ठीक हो जाएगी और फिर यहाँ से अपन निकलेंगे सीधा अपने घर के लिए। आई होप कि ठीक हो जाए जल्दी से। सीरियसली ना अपन पूरी राइड करके आ गए थे और लास्ट का ना ये जो इतना सा पेज बचा था ना, इसमें बाइक ने धोखा दे दिया। बाकी अभी सुबह सुबह उठ गए ना, नहाए तो भैया नहीं है, सीरियसली बोलूँ तो बिल्कुल भी नहीं नहाया हूँ मैं। मुँह धो लिया है, बोले तो कौवा स्नान कर लिया है, बस चाय आ गई है, चाय पीते और फिर यहाँ से निकलते अपन सीधा सर्विस सेंटर के लिए। अच्छा, ये मस्त लग रही है, क्या बोलते हो, मेटल की है। अच्छा, और कुछ करने के लिए नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए इन्हीं पर टाइम पास करता हूँ। ऐसा ये जो लाइफ की सबसे अनप्रेडिक्टेबल चाय पी रहा हूँ मैं। सीरियसली ना यहाँ पे अपने रुकने का कुछ भी नहीं था, बट पता नहीं कैसे रुक गए। हेलो जी, वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका पुराने वाली ही वीडियो में। अभी मैं हूँ नसीराबाद में, अपनी यहीं पे बाइक खराब हो गई थी। इससे पहले वाला पार्ट में और इस पार्ट में पूरा एक दिन का गैप है, अपन दो दिन यहीं पे स्टे कर रहे थे। कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है ना जो अपन ने सोचा नहीं होता है, मतलब लाइफ में हमेशा वो नहीं होता ना जो अपन ने सोच रखा होता है। पूरी 2,500 किलोमीटर प्लस की अपन जर्नी करके आ गए, बट ये अपनी लास्ट राइड थी इस बाइक पे। आज के बाद इस बाइक पे अपन एक भी राइड नहीं कर पाएंगे लंबी वाली। अगर आप चाहते हैं कि अपन ये जर्नी कंटिन्यू रखे, तो प्लीज थोड़ा सा सब्सक्राइबर बेस बढ़ाओ, चैनल को थोड़ी सी ग्रोथ हो जाएगी, थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो अपन डेफिनेटली नई बाइक ले आएंगे। अदरवाइज ये वीडियो आएगी, इसके बाद मैं जयपुर जाऊंगा घूमने के लिए, सिर्फ नॉर्मली वो वीडियो डालूंगा और उसके अलावा फिर कुछ नहीं आने वाला। देख लेना आपकी इच्छा हो, अगर मेरी जर्नी पसंद आ रही हो
थोड़ा सा भी लगता हो कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शायद इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, आपके सपोर्ट करने से या आपके पैसे नहीं लगेंगे। सपोर्ट आपको सिर्फ एक वे में करना है, कमेंट करनी है, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी अभी जो है अपना सामान ऑलमोस्ट पैक हो चुका है, बस निकलते हैं यहाँ से सीधा अपने घर के लिए। आई होप आपको पूरी सीरीज भी अच्छी लगी होगी। चलो निकलते, अब क्या बात करूं, आप अपने हो शायद से समझ जाओगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाओगे। चलो निकलते हैं यहाँ से। हाँ जी, तो फाइनली निकल चुके हैं अपन नसीराबाद से, और ये वाली जो लोकेशन दिख रहा है ना, इसी जगह पे अपनी बाइक जो है वो बंद हुई थी, बट ठीक है कोई बात नहीं। ये भी एक जर्नी का पार्ट है जो कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, कुछ ना कुछ नई चीज़ बता के जाता है। बाकी अभी नाश्ता वाश्ता तो अपन ने वही कर लिया है, आराम से धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि अब घर वैसे भी अपना ज़्यादा दूर नहीं है, 250 किलोमीटर के आसपास ही है। सीरियसली कितना लापरवाही, एक तो गाड़ी कितनी ओवरवेट है इसकी, और ऊपर से ना सारा जो है ये लोकल लैंग्वेज हमारा सुखला बोलते हैं, आपके इधर पता नहीं, बट सारा उड़ के ना नीचे आ रहा है। क्या ही लापरवाह लोग है ना, इनको क्या करो। इंडिया कितना अमीर है देखो, पेट्रोल पिला रहा है पेड़ पौधों को, वाह वाह वाह, इंडियन ऑयल का अत्यंत ज्वलनशील। पेट्रोल नहीं है सर, वो पानी है, सिर्फ टैंकर पेट्रोल का, बाकी पानी है। वैसे ये वाली वीडियो ना अपनी लाइफ की पहली वीडियो है जो अभी तक शायद 3 दिनों से चल रही है। वैसे आपको मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया नहीं कि हुआ क्या था। बेसिकली ना बाइक चलते चलते अचानक से बंद हो गई थी थोड़ा सा हीट की वजह से, फिर सर्विस सेंटर लेके गया तो भैया स्टाफ था नहीं, उस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। बड़ा इस तरीके की लॉन्ग राइड जो है वो इस बाइक पे अब लास्ट है, इसके बाद इस पर लॉन्ग राइड नहीं करेंगे। और अगर आपने सब्सक्राइबर बेस नहीं बढ़ाया तो शायद से नई बाइक भी मुश्किल है लेना। देख लेना, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, मैं अगर कुछ अच्छा कर रहा हूँ, आपको कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और थोड़ा सा शेयर करना ताकि अपना चैनल थोड़ी सी ग्रोथ पकड़े।